एडवर्ब क्लास वो होती है जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करे। और एडवर्ब का काम क्या होता है, वो किसी दूसरे वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। अब यहाँ पे ये देखिए, एन एडवर्ब क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। जाहिर है उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा तो ही वो क्लास बनेगी, और जब क्लास होगी और एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब क्लास हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त रेस्ट किया। एट सनसेट टाइम बता रहा है कि कब रेस्ट किया, तो एट सनसेट जो है ये एडवर्ब फ्रेज़ थी, ये एक ऐसा टुकड़ा था सेंटेंस का, एक ऐसी फ्रेज़ थी जो एडवर्ब का काम कर रहा था, यानी कि वर्ब का टाइम बता रहा था कि वो काम कब हुआ। तो एट सनसेट ये एडवर्ब फ्रेज़ थी। अब जब ये सेंटेंस बना, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई तब रेस्ट किया, ये टुकड़ा, ये क्लास भी वर्ब का टाइम ही बता रहा है कि कब रेस्ट किया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इवनिंग सब्जेक्ट, केम प्रेडिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ये क्लास बन के रेस्टेड के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लास होगी। वो ऊपर वाली एडवर्ब फ्रेज थी और ये एडवर्ब क्लास होगी, एक ऐसी क्लास जो एडवर्ब का काम करे, किसी वर्ब के को मॉडिफाई करे, उसका टाइम बताए, उसकी प्लेस बताए, उसकी फ्रिक्वेंसी बताए, एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, इसमें से चूज़ करना है सेंटेंस में से कि कौन सी क्लास जो है वो एडवर्ब क्लास है। एक दो सेंटेंसेस मैं आपके लिए करूँगा, बाकी सेंटेंसेस आप सेंटेंस का नंबर दे के नीचे कमेंट सेक्शन में ख़ुद सॉल्व करेंगे और इनके आंसर लिखेंगे। आप ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, आप बैठ सकते हैं जहाँ आप चाहें। वेयर एवर यू लाइक ये क्लास है जो सिट वाले वर्ब के बारे में बता रही है कि कहाँ बैठना है, तो ये एडवर्ब क्लास है जो कि सिट वाले वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे, उसके बारे में कुछ बताए, तो ये एडवर्ब क्लास होगी, वेयर, वेयर एवर यू लाइक वाली। इसी तरह बाकी सेंटेंस हैं, ही फ्लैड वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फ्लो, ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। अब इसमें आई शैल पनिश यू ये जो है, ये रीज़न बयान, कॉज बयान कर रही है, क्योंकि तुमने ये किया है, डन वाले वर्ब का एडवर्ब बन रही है। एज़ ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज, ये एडवर्ब ऑफ रीज़न बनेगा यहाँ पे, आई शैल पनिश यू ये वाली क्लास। इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी डाई, ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, विल यू वेट टिल आई रिटर्न, तो यहाँ पे टिल आई रिटर्न एडवर्ब ऑफ टाइम बन रहा है, और ये क्लास आई रिटर्न वाली, उस वक्त तक इंतज़ार करना है जब तक मैं लौट आऊँ, तो ये आई रिटर्न जो है ये क्लास एडवर्ब क्लास बन रही है, ये टाइम बता रही है कि कब तक वेट करना है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो ये एक एडवर्ब क्लास होगी। इसी तरह ये कुछ और सेंटेंसेस हैं, बल्कि काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस को पढ़ें और इसमें से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप ये सेंटेंस देख सकते हैं। इसी तरह ये सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके एक सेंटेंस को पढ़िए और इसमें से दो दो क्लासेस हैं, अंडरलाइन करें कौन से वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब क्लास का काम कर रहे हैं, जो किसी वर्ब को सेंटेंस में मॉडिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई फॉरगिव यू सिंस यू रिपेंट, चूँकि तुमने तोबा करने में, तुम्हें माफ़ करता हूँ। सिंस यू रिपेंट ये एडवर्ब क्लास है, फॉरगिव वाले वर्ब की रीज़न बयान कर रहे हैं कि क्यों माफ़ करना, क्योंकि तुमने तोबा कर ली, तो इस वर्ब फॉरगिव को ये सिंस यू रिपेंट मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लास होगी। बकिया सेंटेंसेस को भी पढ़िए और इनमें से एडवर्ब क्लास जो है वो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए सेंटेंस का नंबर दे के। So thanks for watching.